तो दोस्तों, आज मैं एक एंथोलॉजी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जिन लोगों को एंथोलॉजी मूवी के बारे में नहीं पता है, तो ये ऐसी मूवी होती है जिसमें एक से ज़्यादा कहानियाँ होती है। हमारे बॉलीवुड में भी एंथोलॉजी मूवी बन चुकी है। जैसे कि डरना मना है, वो डरना ज़रूरी है। तो आइए अब मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है नाइटमेयर सिनेमा और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। तो क्या कोई हमारे भयानक नाइटमेयर को खुलकर हमारे सामने रख सकता है, और हमारे नाइटमेयर अगर सच हो जाए तो किस हद तक जा सकते हैं, क्या नाइटमेयर से हम बच सकते हैं, ये हमें आज की कहानी पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की पहली स्टोरी में ये बताया जाता है कि नाइटमेयर सिनेमा नाम के एक सिनेमा हॉल में समंता नाम की एक लड़की फिल्म देखने के लिए आती है। उस हॉल में कोई भी नहीं था और कोई अनजान शक्ति समंता को चेयर पर बैठा देती है और फिल्म अपने आप शुरू हो जाती है। अब इस फिल्म में खुद समंता ही मौजूद थी, जहाँ पर वो खून से लथपथ एक सीरियल किलर वॉल्टर से बचकर भाग रही थी। तभी उसे जॉनसन मिलता है और वो जॉनसन को उस सीरियल किलर के बारे में बताती है। अब रात तक वे दोनों जंगल से निकलकर रोड पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको एक पुलिस की कार दिखाई जाती है। पुलिसमैन उन दोनों को कार में बिठाकर जाने ही वाला था कि तभी वो सीरियल किलर आता है। पुलिसमैन सीरियल किलर को शूट करता है और किलर के पास में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन किलर का मास्क हटाकर वो डर जाता है और गलती से पैर फिसलने की वजह से वो खुद को ही शूट कर लेता है। जॉनसन कार की चाबी लेने के लिए पुलिसमैन के पास आता है, लेकिन किलर को जिंदा देखकर वो समंता को लेकर वहां से भाग जाता है। वे दोनों एक केबिन में आते हैं, जहां पर उनका एक फ्रेंड माइक था। उस किलर ने उनके बाकी दोस्तों को भी मार डाला था और अचानक वही किलर उनके केबिन के सामने आता है और माइक को मार डालता है। समंता को एक बेसमेंट का डोर मिलता है, जिसके अंदर उसे किलर के द्वारा मारी गई दूसरी डेड बॉडीज दिखती है। अब इधर जॉनसन एक चाकू से किलर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे ही चाकू मारकर जिंदा जला देता है। समंता एक कुल्हाड़ी लेकर किलर से फाइट करने लगती है और किलर का मास्क हटते ही वो देखती है कि वो किलर उसके बचपन का दोस्त फ्रेड है। फ्रेड उसे बताता है कि एक दिन केबिन के पास जंगल में एक मीटर गिरता है और सभी उस चीज को देखने जाते हैं। फ्रेड उनको एडवाइस देता है कि उनको पुलिस को बुला लेना चाहिए, लेकिन वे लोग नहीं सुनते हैं और जॉन उस चीज को हाथ लगा लेता है और उस मीटियोर से हजारों स्पाइडर निकलने लगते हैं, जो कि उनके शरीर में घुसकर उनके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। फ्रेड का मुंह उस समय कवर था, तो वो स्पाइडर उसके शरीर पर नहीं घुस पाती है और तब से वो स्पाइडर के कंट्रोल में रहने वाले हर इंसान को मार रहा था, क्योंकि वो स्पाइडर एलियन थे और जो इंसान को खत्म करने के लिए आए थे। ये सब जानकर समंता खुद मरना चाहती थी और फ्रेड भी उसे वहीं पर मार डालता है। वो फिर से निकल जाता है एलियन स्पाइडर को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले दिन फ्रेड के बिहेवियर से पता चलता है कि फ्रेड भी अब एलियन स्पाइडर के काबू में है। पहली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और यहाँ से सेकंड स्टोरी चालू होती है। अब इस बार सिनेमा हॉल में डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एना आते हैं। एना के फेस पर एक स्कार था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी समय फिल्म शुरू होती है, जहाँ पर एना एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में खुद के फेस को देख रही थी। वो अपने स्कार को लेकर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहती थी और फिर डेविड के पास में आती है। दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। डेविड ने एना के लिए एक प्लास्टिक सर्जन की अपॉइंटमेंट ली थी, ताकि एना को अपना बिना स्कार वाला खूबसूरत चेहरा मिल सके। एना भी इस प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान जाती है। अब फिर अगले दिन डॉक्टर कहता है कि वो स्कार को हटाकर एना के फेस को कुछ चेंज करेगा, ताकि एना और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सके। खूबसूरती पाने के लालच में एना भी इस बात को मना नहीं करती है। एना को फिर एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी को शुरू करने लगता है। एना को विजन आता है कि शादी के दिन वो अपने खूबसूरत फेस के साथ डेविड के पास आ रही है, और तभी शादी में डॉक्टर और नर्स भी देखते हैं, जिनके हाथ में हथियार था और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो डरकर होश में आती है और उस समय उसके फेस पर बैंडेज लगी हुई थी। रात को डेविड एना की फ़ोटो खींचकर वहां से चला जाता है और फिर अगले दिन डॉक्टर एना से कहता है कि उसकी सर्जरी पूरी नहीं हुई है, उनको और भी सर्जरी करनी होगी। एना भी इस बात को मान जाती है, लेकिन एना को किसी भी रिलेटिव से बात करने नहीं दिया जाता है। रात को वो नर्स के कंप्यूटर में देखती है कि डेविड ने एना के फेस को अजीब बनाने के लिए कहा है। वो दूसरे रूम में एना को एक लड़की मिलती है जिसकी आँख और नाक थे ही नहीं। एना डरकर वहाँ से भागती है और वो नर्स से लड़ाई करके वहाँ से भागने के लिए लिफ्ट में जाती है, लेकिन लिफ्ट के खुलते ही डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। और होश में आने के बाद में एना को पता चलता है कि उसकी फिर से सर्जरी कर दी गई है और डेविड उनके पास ही था।
अपने बैंडेज को खोलकर वो आईने में अपना फेस देखती है और उसका पूरा फेस बिगाड़ दिया गया था। तभी वहां पर डेविड की माँ आती है और उसका भी पूरा फेस प्लास्टिक सर्जरी से अजीब बना दिया गया था। डेविड और उसकी माँ के मुताबिक एना बहुत खूबसूरत लग रही थी और रियल लाइफ में एना खुद के नाइटमेयर को फिल्म में देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। डेविड भी वहाँ पर नहीं था और डेविड को ढूंढते हुए जहाँ पर उसे फिल्म चलाने वाला प्रोजेक्शनिस्ट दिखता है और कुछ देर में एना की चीख हमें सुनाई देती है और सेकंड स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी में तीसरी स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद में फिल्म को देखने के लिए फादर बेनेडिक्ट आते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें एक चर्च की छत के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है। फादर उसे नीचे आने के लिए कहता है लेकिन वो लड़का पागलों की तरह हंस रहा था। सिस्टर प्रस्टिशा उस लड़के के पास आती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सिंडी नाम की एक औरत अपनी बेटी डेनी को संभालती है और सभी बच्चे उस बच्चे की मौत से डर गए थे। रात को जब सिंडी काम कर रही थी तो दीवार पर लगा हुआ क्रॉस अपने आप दीवार से गिर जाता है और बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। तो चेक करने जाती है और अचानक कोई अनजान शक्ति उसके पास से गुजरती है। अब एक दूसरे रूम में फादर बेनेडिक्ट और सिस्टर प्रस्टिशा इंटीमेट हो रहे थे लेकिन कुछ अजीब आवाज सुनकर वे दोनों भी रुक जाते हैं। सिस्टर उस मरे हुए बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थी और फादर उसे कंफर्ट करता है। अब अगले दिन डेनी अकेली बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां वहां पर आकर उसे बुली करने लगती है। डेनी एक लड़की को मारती है और वो लड़की दूर जाकर गिर जाती है जिससे कि उसकी जुबान कटकर निकल गई थी। सिस्टर आकर उसे संभालती है और तभी वो लड़की डेनी के पीछे एक डेमन को देखती है और वो डर के चिल्लाने लगती है। सिस्टर को किताबों से उस डेमन के बारे में पता चलता है और उस डेमन का नाम मैगट था जो कि लस्ट के लिए सजा देता था। वो बच्चों की सोल को कलेक्ट करने के लिए आया था। वो इस डेमन के बारे में फादर को भी बताती है। उसी समय डेमन के द्वारा पजेस्ट किया गया बच्चा फादर के पास आकर कहता है कि उसे पता है कि उसने क्या पाप किए हैं। फादर किसी तरह मंत्रों से उस डेमन को उस लड़के की बॉडी से बाहर निकालते हैं और फादर और सिस्टर बाकी बच्चों के ऊपर भी एग्जोसिस्म करने लगते हैं। तभी सिंडी वहां पर आकर डेनी को अपने साथ में ले जाती है और सिस्टर को रियलाइज होता है कि पजेस्ट डेनी नहीं बल्कि सिंडी है। डेनी को भी अपनी माँ की ये बात पता चल जाती है और वो डर के गॉड से प्रे करने लगती है। तभी डेमन डेनी को फोर्स करके बेड पर सुला देता है और सिंडी की बॉडी में मौजूद डेमन बाकी बच्चों को कंट्रोल कर लेता है। फादर और सिस्टर उस रूम में आकर सभी पजेस्ट बच्चों को देखते हैं और डेनी के मुंह से खून निकल रहा था। फादर और सिस्टर डर कर वहां से भागते हैं लेकिन बच्चे हथियार लेकर वहां भी उनका पीछा करते हैं। तब सिस्टर और फादर भी हथियार लेकर उन बच्चों से लड़ने लगते हैं। सिंडी छत की तरफ जाती है और सिस्टर उसके पीछे पीछे आती है और इधर सभी पजेस्ट बच्चे मिलकर फादर को ही मार डालते हैं और पजेस्ट सिंडी सिस्टर को पकड़कर छत से जंप कर देती है लेकिन सिस्टर किसी तरह वहां से बच जाती है। पर सिंडी के मरने के बाद में डेमन सिस्टर की बॉडी को पजेस्ट कर लेता है। अब असल जिंदगी में ये फिल्म देखकर फादर बेनेडिक्ट शॉक्ड हो जाते हैं और अचानक वही प्रोजेक्शनिस्ट आकर फादर बेनेडिक्ट को मार डालता है और इसी के साथ में तीसरी कहानी भी खत्म होती है। मूवी की फोर्थ स्टोरी शुरू होती है और इस बार हेलन नाम की एक औरत फिल्म देखने के लिए जाती है। फिल्म शुरू होती है और हेलन अपने बच्चों के साथ में एक डॉक्टर के पास आई थी। वो थोड़ा लेट थी तो रिसेप्शनिस्ट उसे थोड़ा वेट करने को कहती है लेकिन उसके बच्चे इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वे लोग पहले ही बहुत समय से वेट कर रहे थे। हेलन फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट की पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ था। हेलन किसी और दिन आने वाली थी लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रुकने को कहती है और फिर हेलन डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो भूतों को हेलुसिनेट करती है। उसकी आंखों के सामने ही वहाँ की जगह बदल जाती है और लोग भी बदल जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे सुसाइड करने का मन होता है लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही डॉक्टर उसे अगले दिन आने के लिए कह देता है। वो जब बाहर आती है तो वो जगह पूरी तरह अबेंडेंट बन चुकी थी और उस रिसेप्शन एरिया में उसके बच्चे भी नहीं थे। लिफ्ट के पास उसे रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि अब एक डेमन बन चुकी थी और वो कहती है कि उसने किसी बच्चे को नहीं देखा है। फिर हेलन बाथरूम के पास आती है जो कि बहुत ही गंदा था और वो काम कर रहे एक आदमी से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। वो गन दिखाकर उसे धमकी भी देती है लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और एक टेलीफोन से हेलन अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है और उसका हस्बैंड उसके साथ में रिश्ता खत्म कर लेता है। हेलन अपने हस्बैंड से कहती है कि उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तभी उसका हस्बैंड कहता है कि उनका तो कोई बच्चा है ही नहीं। वो खुद को शूट करने वाली थी लेकिन किसी की आवाज से वो रुक जाती है।
वो देखती है कि उसके बच्चे डॉक्टर से बातें कर रहे हैं, लेकिन हेलन अभी भी उन्हें अपना मान रही थी। डॉक्टर कहता है कि हेलन सुसाइड करके ही इसी लाइफ से आजाद हो सकती है और वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। वो अंदर आकर देखती है तो बच्चे और डॉक्टर दोनों डेमन में बदल चुके थे। वो डॉक्टर को शूट करके बच्चों को लेकर घर चली जाती है। असल जिंदगी में भी हेलन के पास में एक गन थी और तभी हम सिनेमा हॉल के अंदर एक गनशॉट को सुन पाते हैं और इसी के साथ में मूवी की फोर्थ स्टोरी भी खत्म होती है। मूवी में फिफ्थ स्टोरी शुरू होती है और इस बार रायली नाम का एक बच्चा फिल्म देखने के लिए आता है। फिल्म शुरू होती है और वो दिखाते हैं कि रायली पियानो बजा रहा था और उसके पेरेंट्स उसे फंक्शन से लेने आए थे। अचानक जेनकिन नाम का एक आदमी उनके कार में घुसकर रायली को गन पॉइंट पर ले लेता है और सभी कार से बाहर आते हैं और जेनकिन रायली के पेरेंट को मार डालता है। रायली भी भागने की कोशिश करता है लेकिन जेनकिन उसे पीट कर शूट कर देता है। डॉक्टर किसी तरह रायली को बचा लेते हैं और होश में आने के बाद में वो अपनी माँ को देखता है और अगले दिन वो डॉक्टर से अपने पेरेंट के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसकी बात को इग्नोर करके उसे रेस्ट करने को कहता है और रात को रायली अपने बेड के पास एक आदमी को देखता है जिसके फेस पर बहुत सारे सिलाई के निशान थे। वो आदमी रूम के बाहर जाता है और रायली उसके पीछे पीछे जाता है। तभी एक नर्स आकर उसे रूम में लेकर जाती है। नर्स से कहती है कि फेस पर सिलाई वाला वो आदमी मर चुका है और अगले दिन रायली की माँ उसे फिर से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि वो रायली के पास हमेशा रहेगी लेकिन वो बस रायली का एक सपना था। फिर रायली को एक अलग रूम में लेकर जाया जाता है और रास्ते में वो बहुत सारी आत्माओं को देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात को जब रायली सो रहा था तो जेनकिन उसके रूम में आता है लेकिन नर्स उसे वहाँ से निकाल देती है। रायली उठकर रूम से बाहर जाता है और वहाँ भी उसे आत्माएं दिखाई देती है। फिर एक केसी नाम की लड़की उसके पास में आकर कहती है कि उसे भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो जब कुछ समय के लिए मर गई थी तो डॉक्टर ने उसे किसी तरह जिंदा रखा था। रायली भी कुछ समय के लिए मर गया था, मतलब कि वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था और इसीलिए उसे भी अब आत्माएं दिखाई देती है। वो उसे कहती है कि रायली की माँ उसके पास में जो बार बार आ रही है वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगली सुबह फिर से रायली की माँ उसके पास आती है और रायली अपनी माँ को समझाता है कि वो मर चुकी है और उसकी माँ उसे सो जाने को कहती है ताकि वो सब एक साथ रह पाए। तभी केसी आकर रायली को समझाती है कि उसकी माँ अगर उसे कहीं पर ले जाना चाहे तो वो उसके साथ में नहीं जाए। फिर कुछ समय के बाद में रायली की माँ केसी को मार डालती है और शाम को जेनकिन रायली पर अटैक करता है। रायली को चोट भी लगती है लेकिन वो अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुप जाता है। जेनकिन फिर से उसे ढूंढकर उसका गला दबाने लगती है। रायली फिर से अपनी माँ को देखता है जो कि उसे गिव अप करके मरने को कहती है ताकि वे सभी मौत के बाद एक साथ रह पाए। रायली केसी की आत्मा को देखता है जो कि उसे अपनी जिंदगी के लिए लड़ने को कहती है। रायली अपनी जान को बचाने के लिए जेनकिन को मार डालता है और कुछ समय के बाद में वो केसी और उसके पेरेंट की आत्माओं को देखता है। वहाँ पर जेनकिन की आत्मा भी थी जो कि उसे स्वीटरम कहता है और असल जिंदगी में रायली को अपने से पहले आए फिल्म देखने वाले लोगों की आत्माएं दिखाई देती है। वो प्रोजेक्शनिस्ट उसे कहता है कि ये सभी लोग मर चुके हैं और वो भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। रायली सिनेमा हॉल से भागता है लेकिन माँ के बोर्ड पर लिखा था कि रायली मर चुका है और एक टेप पर वो रायली का नाम लगाकर उस रूम का डोर बंद कर देता है। और वहाँ पर और भी कई सारी टेप थी, मतलब कि वहाँ पर फिल्म देखने आए कई सारे लोग उस प्रोजेक्शनिस्ट का शिकार बन चुके हैं। और इसी के साथ में ये पूरी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो प्रोजेक्शनिस्ट एक डेमन था जो कि लोगों के नाइटमेयर को फिल्म के जरिए दिखाकर उनके सोल को कलेक्ट करता था। और मूवी की हर एक कहानी में कुछ न कुछ मैसेज दिखाए गए थे जिससे हम आगे समझते हैं। इस स्टोरी में हम ये सीखते हैं कि किसी भी अनजान चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। वहाँ पर आए एलियन ह्यूमन के ब्रेन पर काबू करके उनको अपना गुलाम बनाकर पूरी दुनिया को हासिल कर लेते हैं। सेकंड स्टोरी में हमें पता लगता है कि अपनी खूबसूरती जैसी भी हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एना ने कभी भी खुद को खूबसूरत नहीं माना और अगर वो खुद को एक्सेप्ट करती तो उसे उसकी बची हुई खूबसूरती भी नहीं छीनी जाती। मूवी की तीसरी स्टोरी में हम देखते हैं कि जिसकी जो सीमा है उसे वो पार नहीं करना चाहिए। फादर बेनेडिक्ट और सिस्टर प्रतीक्षा ने अपनी सारी सीमाएं भूलकर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हुए और इसीलिए हॉल में एक मेगा डेमन आता है उनको सजा देने के लिए। मूवी की फोर्थ स्टोरी में हमें देखते हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हेलन का कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए वो डिप्रेशन में थी और ऐसा इमेजिन करती थी कि उसके दो बेटे हैं। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि वो अकेली है और हमेशा वो अंधेरे में ही रहना चाहती थी। इसीलिए फोर्थ पार्ट पूरा ब्लैक एंड वाइट था
और इस मूवी में हम हेलन के दिमाग की स्थिति को देखते हैं। मूवी के फिफ्थ स्टोरी में हमें देखते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ के लिए लड़ना चाहिए। हमारी लाइफ हमारे हाथों में होती है और खुद की लाइफ की इम्पोर्टेंस कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस मूवी में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस जल्दी लेकर आने वाला हूँ।